वेलकम टू रोइंग। ये इनर लाइन परमिट कहाँ पर होता है? नहीं कर रहे। टर्निंग भी कैसे ले रहे हैं? जो ट्रक घुमाने के लिए फिर बैक करना पड़ता है। अबे इतने सारे मिथुन। पाया होटल में भी आप रुक सकते हो अगर आपका कभी लेट होता है। कार से बांध के रखा है ये पत्थर सब में। लद्दाख वद्दाख तो एक्सप्लोर करते ही रहते हो, ये भी फेमस करो। यहाँ पर बिना रुके कैसे आगे बढ़ू मैं? खतरनाक बारिश स्टार्ट हो गए, जोर से दे रहे। धूप भी है, बारिश भी दे रहे है, पूरा भीग गया मैं तो। क्या रास्ता है? क्रॉसिंग आ गया। अरे ओ बे, कितना गड्ढा था, नहाना पड़ेगा। नहीं नहीं 88 किलोमीटर। क्या रास्ता है, हालत खराब हो गया। सो फाइनली मैं मायोडियो पास तो पहुंच चुका हूँ। अभी टाइम हुआ है 12 ही बजने वाला है, बस एक मिनट बाकी है। वेलकम टू मायोडिया पास। यहाँ पर मैं कई सारे स्टिकर्स देख रहा हूँ सब राइडर्स की, आसाम बाइकर्स भी है। आगे चलते हैं, आगे एक होटल है, मायोडिया होटल है आई गेस उसका नाम, तो वहाँ चलते हैं। मायोडिया पास तक आते समय इतना ज़्यादा ठंडा हो के रखा था, मेरा हाथ पूरा सुन्न हो गया। अभी थोड़ा सेंस में है। यहाँ पर थोड़ा सा धूप है, कई कई जगह धूप आ जाता है, कई कई जगह पे पूरा क्लाउड्स आ जाता है, और क्लाउड्स भी ऐसे पूरा बारिश जैसा, इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। वाटर क्रॉसिंग आ गया, लेकिन हम साइड से निकल जाएंगे, ये ज़्यादा साइड में जाना भी अच्छा नहीं है। बाप रे बाप, यहाँ से देखो पूरा खाई, क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। वहाँ देखो ना, क्या सुंदर है, एक नंबर लग रहे है। आगे कुछ मिलेगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे रुक के कुछ खा लेते हैं। माया होटल। तो अभी मैं पहुँचा था मायोडिया पास पे, यहाँ पर रुका हूँ माया होटल में, कुछ खा लेता हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस एक चाय पी के आया था और एक रोटी, तो यही खा लेते हैं। आगे कहीं मिलेगा कि नहीं पता नहीं, मैंने सुना है हुनली में तो मिल जाएगा मेरे को शॉप्स, लेकिन पता नहीं क्या मिलता है वहाँ पर, मैगी या फिर क्या। यहाँ पर तो खाना मिल रहा है तो खाना ही खा लेते, दाल चावल। मायोडिया तक तो रास्ता मेरे को अच्छा ही मिला, इतना भी ख़राब नहीं था। ख़राब नहीं था मतलब कि 5% बोल सकते हो ख़राब था, और ज़्यादा तो ख़राब नहीं था रास्ता। तो आप कभी आ रहे हो इस साइड तो अधीनी तक कितना क्या रास्ता होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन अभी तक जहाँ तक मैं आया हूँ मायोडिया पास तक, इतना रास्ता ख़राब नहीं है। और यहाँ से व्यू देखो ना, यहाँ पर माया होटल में भी आप रुक सकते हो अगर आपका कभी लेट होता है, तो यहाँ पर भी रहने का फैसिलिटी है शायद से। और इसका एक बहुत यूनिक चीज़ देखोगे, ये पत्थर देख रहे हो, तार से बांध के रखा है, इससे सपोर्ट मिल रहा है। ये तार से बांध के रखा है ये पत्थर सब में, पता नहीं क्यों, उड़ जा सकता है शायद। ये देखो पत्थर से बांध के रखा है। ये रहा माया होटल और ये रहा मेरा बाइक। अभी तक तो इसने कुछ प्रॉब्लम दिया नहीं है, और पहाड़ में जैसे ही आता है बहुत ही ज़्यादा कूदने लग जाता है, इसको बहुत ही स्पीड जाना होता है। ठीक माया होटल के सामने यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था शायद, लेकिन रास्ता तो क्लियर है अभी। तो चलो मिलते हैं आगे, वीडियो में बने रहो। ठीक है बाय। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, मौसम क्लाउड्स आ गए फिर से, बस बारिश ना दे और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दो एक बूंद तो गिरा ही था, बाइक का सीट भी फट गया मेरे जूते से। तो चलो, खराब रास्ता होने से अच्छा तो ये ब्लॉक रास्ता ही है, और बर्फ में शायद स्केट भी नहीं करेगा ज़्यादा। जनवरी से यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, तब ये रास्ता आपको दिखेगा नहीं ऐसा, ये पहाड़ सब, ये रास्ते सब बर्फ से भर जाता है। लैंडस्लाइड वाला एरिया, जल्दी निकलना ही ठीक है।
मेरे फोन में ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, ओनली में रुकना पड़ेगा कहीं पर, फोन चार्ज करना पड़ेगा। वहाँ से बस आ गया, तो गाड़ी क्रॉस होने में इतना प्रॉब्लम। अगर दूसरे साइड से एक गाड़ी आता है तो एक को रुक जाना पड़ता है। फोन आ गया, क्या मस्त व्यू लग रहे। हेलो, हाँ मायोडिया पार हलो, मैं बाइक चला आया। हाँ क्या मस्त लोकेशन है, देखो ना क्या सुंदर लग रहा है। चलो निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रहा है। वहाँ पर धूप दिख रहा है मेरे को, पता नहीं। हाँ वो गाड़ी जहाँ से जा रहा है वहाँ पर धूप है। क्या लोकेशन है, कहाँ से निकल रहा है देखो ना। आते समय यहाँ पर रुक के एक फ़ोटो तो लेना बनता है। ऊपर से कुछ पत्थर वत्थर दिख रहे क्या, नहीं आ रहा। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। ये सब जगह देखने से लैंडस्लाइड वाला एरिया जहाँ देखते हो ना, तो रुक के देख लिया करो ऊपर से पत्थर वत्थर कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा तो डायरेक्ट थोड़ा स्पीड में निकल जाओ उस जगह से। अगर मेरे को कुछ एक गांव दिख रहा है, कहाँ से देखो और घर सब दिख रहे हो, कुछ गांव होगा या फिर बस्ती। उफ अब थोड़ा शांति मिल रहा है धूप, वरना इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था ना, हालत ख़राब हो गया था, मेरा हाथ तो सूनी ही हो गया था। अरे डॉगी कहाँ जा रहे है, यहाँ पर कुछ काम चल रहे है। मीना होटल, ओगल होटल, होटल 65। अरे ट्रक आ गया। क्या मस्त जा रहे है ना ये चिड़िया, गोप्रो में पकड़ रहा होगा कि नहीं, ये देखो चला गया। यहाँ पर हॉर्न मार के ही जाना पड़ेगा, पूरा ब्लाइंड कॉर्नर्स है, कुछ भी दिखता नहीं है, आगे से गाड़ी वाड़ी आने से भी पता नहीं चलता। ये चेक करो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वो पहाड़ चेक करो ना, तो मस्त लग रहे है। भाई साहब क्या लोकेशन पहुंच गए, ये चेक करो ना वाटर क्रॉसिंग, और यहाँ से कहाँ से पानी गिर रहा है, ऊपर से बहुत जगह से गिर रहा है। रास्ता थोड़ा सा खराब है लेकिन जो भी है ठीक है। ये चेक करो गाइस क्या मस्त लग रहा है। पूरा ऊपर शेड दे के रखा है पत्थर से, आते समय यहाँ पर फोटो लेना पड़ेगा। मैं नहीं ले रहा क्योंकि मेरे को रुकने का मन नहीं, फ़ोन भी चार्ज करना है, टाइम नहीं होगा, वहाँ पर लेट हो जाएगा फिर, और मेरे को अंधेरे में राइड करने का मन नहीं है। जल्दी जल्दी चलते हैं हुल्ली में, कहीं पर रुक के फ़ोन चार्ज करते हैं। यहाँ से हुल्ली और 19 किलोमीटर से, क्या व्यू है देखो ना। बारिश स्टार्ट हो गया, धूप भी है बारिश भी है। अरे मिठुन भाई क्या कर रहे हो, देखो केले के खेत लेकिन बहुत सारे दिख रहे हैं बिल्कुल, पता नहीं सब जली हो गया शायद। क्या व्यू है वहाँ देखो ना, एक नंबर लग रहा है, एक नंबर, दिल खुश हो गया, बस बारिश रुक जाए। ऐसा मौसम गिर दिया, बारिश भी है धूप भी है। चलो आगे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कैमरे के साथ रिक्स नहीं लेना मेरे को। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, रुको दिखाता हूँ, मेरे लेफ्ट साइड में चेक करो, ये देखो
क्या सुंदर है, एक से बढ़कर एक सीनिक व्यू दिख रहे। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता खराब है, ये ना वाटर क्रॉसिंग, ये देखो ना कहाँ से पानी जा रहा है। वैसा स्लाइड स्लाइड ना जल्दी निकल रहा है, ठीक है। वो ऊपर से पानी आ रहा है कैसे, ओए क्या रास्ता है ऐसा। अरे अरे कहाँ चला गया बाइक, डेस्कटॉप का वॉलपेपर लग रहा है। मैं बैटरी चेंज करने के लिए रुका था, क्या नज़ारा दिखा, लास्ट बैटरी। होप अंधेरा होने से पहले अनिनी पहुंच जाओ और ये बैटरी भी ख़त्म ना हो और वहाँ पर करंट हो। भाई साहब ये रास्ता था, अभी रास्ता ही टूट गया नीचे की तरफ, क्या हालत हो गई, स्लो स्लो जाना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो ये रास्ता था ऊपर, रास्ता पूरा टूट गया, अभी ऐसा बना के दिया है, डेंजरस है। पूरा का पूरा रास्ता ही टूट गया। अरे बीटून भाई नमस्ते, ये चेक करो हीरा हुल्ली। तो हम लोग अभी हुल्ली पहुंच चुके हैं, ये रहा हुल्ली पुलिस स्टेशन। दीदी ये अनिनी का रास्ता कौन सा है, उस तरफ, थैंक यू। ओके सो लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये पुलिस स्टेशन का साइन बोर्ड जहाँ दिखाओगे ना हुल्ली का, उस रास्ते से चल जाना तो आप अनिनी पहुंच जाओगे। वो डबल श्योर होने के लिए मेरे को आगे किसी और से भी पूछना पड़ेगा। भैया अनिनी का रास्ता ये है ना, यहाँ से कितना टाइम लगता है? रोहिण से दूर है, रोहिण से यहाँ आया ना, उससे भी दूर है, उससे भी दूर है ना, ठीक है। सीधा जाकर ऐसा घूमने वाला है रास्ता, हाँ ठीक है, थैंक यू। बारिश स्टार्ट हो गई फिर से। भैया अनिनी का रास्ता कौन सा है, इस साइड स्ट्रेट सीधा ना, थैंक यू। बारिश स्टार्ट हो गया, ये तो क्या है मौसम, धूप धूप भी निकला हुआ है, बारिश भी हो गया। भाई साहब ये क्या है, ये अनिली का रास्ता को क्या हो गया, पैन एट वर्क। एक आदमी से पूछा, उसने तो डरा ही दिया, बोलता है रोइंग से यहाँ तक जितना दूर है उससे भी ज़्यादा दूर है। अरे मिठुन भाई साहब पत्ते खा रहे हो, खा लो, क्या नज़ारा है। ओके सो मैं हुनली में तो नहीं रुका, हुनली में रुक जाता तो अनिनी के लिए लेट हो जाता बहुत। अभी टाइम हो गए 2:42 बज गए, यहाँ से दूर भी है, तो चलो जल्दी जल्दी रास्ता कवर करते हैं। खतरनाक बारिश स्टार्ट हो गए, बहुत ज़ोर से दे रहे हैं, कैमरा बंद करना पड़ेगा जल्दी से। क्या अजीब सा मौसम मुके रखा है, धूप भी है बारिश भी दे रहे है, पूरा भीग गया मैं तो, कैमरा भी उल्टा था। यहाँ से अनिनी और थोड़ा सा दूर है, 134 किलोमीटर दिखा रहे हैं, उनके 150 किलोमीटर के आसपास होगा, तो चलो चलते। सोचा गोप्रो को कवर करूँ कि नहीं, बारिश भी है धूप भी है, देखते क्या करते हैं। रुक के मैप देख लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पर दिखा रहा है 134 किलोमीटर, लेकिन 134 किलोमीटर से ज़्यादा है। टारगेट लेते 6 बजे तक पहुँच जाए अनिनी, तो चलो कहीं पर भी रुकना नहीं है, अभी सीधा लगाते हैं अनिनी। भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है ये, यहाँ से अब बारिश नहीं है,
कॉमेडी से। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो ही जाएगा, अभी हो जाएगा या हो चुका है पता नहीं। और बस अनिनी में करंट हो, वापस फ़ोन वोन चार्ज हो जाए, वरना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा गोप्रो में भी चार्ज नहीं है। थक गया, क्या खींचा मैंने अभी, रिकॉर्ड नहीं किया। फिर से वाटर क्रॉसिंग आ गया। अरे ओ बे, कितना गड्ढा था। ऐसे हुली तक थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, और यहाँ का भी रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, बस थोड़ा सा, लेकिन आप लोग आ सकते हो आराम से, गाड़ी बाइक सब आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपको देख देख के जाना पड़ेगा, ऐसा गाड़ी आने से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और एक वाटर क्रॉसिंग आ गया भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। ओए एश। उफ, वो पहाड़ क्या ऊंचे लग रहे हैं, कितना नीचे उतर के आ गया मैं। यहाँ पर एक दुकान दिखाया, लेकिन खुला है कि बंद है पता ही नहीं चल रहा, आदमी तो कोई नहीं दिख रहा, लॉक है, बंद है। यहाँ से हर 140 किलोमीटर होगा अनिनी। अरे इतना बड़ा बड़ा सुअर, ये चेक करो क्या नज़ारा है, मस्त, तीन पहाड़। ओके सो यहाँ पर रास्ते का काम चल रहा है, वे टू अनिनी नीचे, तो ऊपर कहाँ जाता है पता नहीं, गूगल मैप देखना पड़ेगा। फिर से मिट गो वाटर क्रॉसिंग, फिर से हो भाई साहब, क्या जगह है। ये पैच थोड़ा सा खराब है, तो देख के जाना पड़ेगा। बस नीचे से नदी देखो ना, क्या मस्त लग रहा है। बस पूरा वाटर क्रॉसिंग वाला रास्ता ये तो। जो नदी बह के जा रहे हो, दिवांग रिवर है क्या, मिथुन ब्रिज 9 टन। ओके हम लोग का पहला आयरन ब्रिज आ गया। क्या सुंदर लग रहा है। वो वाले पहाड़ से मैं आया हूँ अभी, ऐसे घूम घूम के। आप पूछा मैंने, और 3-4 घंटा लग जाएगा बोल रहे, पता नहीं और क्या है। क्या मस्त वाटरफॉल है, देखो रियाली यहाँ से 20 किलोमीटर है, अनिनी 110 किलोमीटर। भाई साहब क्या मस्त रास्ता आ गया, क्या सुंदर लग रहा है, पूरा विंड ब्लास्ट हो रहा होगा अभी तो। देखते हैं जहाँ तक रास्ता अच्छा होता है वहाँ तक थोड़ा खींच लेते हैं। ये पत्थर कहाँ ऊपर से गिरा, पूरा स्लो उतारना पड़ेगा, पूरा धूल है रास्ते में, टायर स्किट हो सकता है। मेरा टायर इतना जल्दी स्किट नहीं होगा, लेकिन तब भी ओके। नंबर 2 आयरन ब्रिज। ओ भाई अनिनी इस साइड ही है ना, थैंक यू भाई साहब। ये रास्ता देखो, अब बहुत बार देखा है, यहाँ से एक वाटरफॉल भी आ रहा है। एक फोटो तो बनता है यहाँ पर, जल्दी से खींच लेता। चलो निकलते हैं, क्या मस्त जगह है, मस्त जगह था, रास्ता भी बहुत अच्छा है। ये वाला ब्रिज ये भी बहुत सुंदर है। अच्छा रास्ता ख़त्म, फिर से सिंगल लेन स्टार्ट हो गया। धूप पूरा आग में लग रहा है, सीधा मुंह के आगे ही आ रहा है। आगे पहाड़ देखो ना क्या ऊंचा है। ओके और एक आयरन ब्रिज आ गया,
और साइड में क्या मस्त नदी बह के आ रहा है झरना। भाई साहब क्या रास्ता है। भैया अनिनी का रास्ता ये है ना। फिर थैंक यू भाई साहब। रास्ता का हालत ही नहीं है। माइडिया तक तो रास्ता बहुत अच्छा था। साइड से कमस नदी बह के जा रहे है। दिवांग रिवर है क्या शायद से ये, या फिर कुछ और भी हो सकता है। भाई साहब बहुत ही डेंजरस है ये तो। कीचड़। ये देखो केलों के खेत के बीच से जा रहा हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग है रास्ता नीनी का। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका है इसलिए लोगों से पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है। ये देखो ना ऐसा ऐसा रास्ता है, किसको पता चलेगा। ये ब्रिज का डिज़ाइन अच्छा लगा। जस्ट क्रॉस करते हैं ब्रिज। ये देखो ना क्या मस्त वाटरफॉल है, कितना ऊपर से आ रहा है। नहाता है यहाँ पर लेकिन अभी टाइम नहीं होगा, इस समय यहाँ पर रुकना पड़ेगा। रास्ता फिर से अच्छा हो गया। वो चेक करो ना वाटरफॉल ही वाटरफॉल। ये चेक करो कितना ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है। ये एक से बढ़कर एक लैंडस्केप। वहाँ देखो ना क्या जगह है, मानना पड़ेगा। ये रास्ता जब कंप्लीट हो जाएगा तब कितना और सुंदर हो जाएगा। देखो ऊपर से पेड़ गिर गया। अगर ये पूरा रास्ता कंप्लीट हो गया तो और मस्त हो जाएगा। क्या हवा मार रहा है देखो ना ये जगह। यहाँ पर बिना रुके कैसे आगे बढ़ूँ मैं, चारों तरफ सिर्फ नज़ारे ही नज़ारे। वहाँ पीछे देखो क्या सुंदर है। चलो आगे चलते। क्या वो कई सारे होटल। मैं दिल खुश हो गया यहाँ पर आके सच में। ये चेक करो भाई क्या बोलूँ मैं, और एक से बढ़कर एक। मेरा बस स्टैंड। ये चेक करो गाइस मेरे पीछे का नज़ारा क्या सुंदर लग रहा है। यहाँ पर रुकते हैं 5 मिनट और इस मस्त व्यू का आनंद लेते हैं। चलो निकलते राइट कंटिन्यू करते हैं। अभी मंजिल बहुत दूर है, कम से कम 20 किलोमीटर तो आ ही गया होगा। अरे मैं पानी पीने जा रहा है, पी ले। क्या है अरुणाचल, सच में बहुत सुंदर है। आप लोग को अरुणाचल एक्सप्लोर करना चाहिए, सच में मज़ा आ जाएगा। लद्दाख वद्दाख तो एक्सप्लोर करते ही रहते हो, करोगे ही। ये भी फेमस करो। ओ भाई दिख नहीं रहा, दिखाई नहीं था। अरे मिथुन भाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो हम लोग अभी आरजू पहुंच गए। यहाँ से इटाली ने 34 किलोमीटर, अनिनी 88 किलोमीटर। और बाप रे बाप हालत ख़राब होने लग गए। रास्ता बना रहा है, जैसे वो रास्ता कंप्लीट होगा ना अनिनी सच में बहुत सुंदर जगह हो जाएगा और बहुत टूरिस्ट आएंगे। ये चेक करो हाय क्या सुंदर लग रहे है। पूरा धूल। हेलो
भाई साहब नहाना पड़ेगा, रास्ता तो खतरनाक है। अरे अरे आने नहीं जाने का रास्ता पहले यही था भाई साहब, क्या रास्ता है, हालत खराब हो गया। सर से लेके गर्दन सब कुछ हिल रहा है मेरा। ये रास्ता जब कंप्लीट हो जाएगा ना, एक नंबर हो जाएगा। तब 76 दिखा रहा था, आई होप अभी और ज्यादा दूर ना रहे। अनिनी इस जगह से 50 किलोमीटर्स दूर होगा, लेकिन ये जगह चेक करो ना, क्या मस्त लोकेशन है। बहुत ठंडा होगा ये पानी तो। ओके सो मैं इटालियन पहुंच गया अभी। अभी यहाँ से अनिनी और 40-50 किलोमीटर्स होगा शायद से, तो चलो जल्दी से कवर करते हैं। बहुत हाथ पैर दर्द कर रहे, पीठ भी दर्द कर रहे, तब भी थोड़ा से बचे खींच देते हैं और एक घंटा मैक्सिमम। ओके स्ट्रेट चल जाओ तो मालिनी पहुंच जाओगे, लेफ्ट लोगे तो अनिनी की तरफ। भाई यहाँ से अनिनी जाता है ना, यहाँ से ना। ओके सॉरी लोहा का ब्रिज। सो फाइनली अनिनी एंटर हो चुका हो, अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखेगा, ये लाइट बहुत कम है, तो चलो आगे होटल में मिलते हैं।